सफा बैतुल माल ब्रांच गुलबर्गा की जानिब से साल के 365 दिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खिलाने की मुहिम का आगाज किया गया है, जिसको आज एक महीना मुकम्मल हो गया है। सफा बैतुल माल ब्रांच गुलबर्गा के जिम्मेदार लगातार मुख्तलिफ अंदाज में जरूरतमंद लोगों की मदद करने का काम कर रहे हैं और इस वीडियो में आप देख सकते हैं सफा बैतुल माल की टीम गुलबर्गा जिम्स हॉस्पिटल में कोरोना पेशेंट्स के अटेंडेंट्स को खाना खिलाने के साथ साथ गवर्नमेंट कैंसर हॉस्पिटल में कैंसर पेशेंट और उनके अटेंडेंट्स के लिए भी खाने का इंतजाम किया जा रहा है। सफा बैतुल माल ब्रांच गुलबर्गा की टीम साल के 365 दिन अवामी ताउन से खिदमात को अंजाम देते आ रही है। अगर आप भी इस नेक काम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सफा बैतुल माल का कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप कॉल कर डिटेल हासिल कर सकते हैं। खाना फर्स्ट क्लास है, सब स्वीट है और खाना भी है मस्त है। क्या हमारे भाई एक हॉस्पिटल में है? मैं हम लोग बीदर डिस्ट्रिक्ट से आए, चुड़गुप्पा तालुके से, विलेज वलखिंडी। 10 दिन से हॉस्पिटल में हूँ, मैं मम्मी को लेके आया हूँ। उनको कोरोना का इलाज चल रहा है, ऑक्सीजन वगैरह लगे, खाने की वो ये बहुत प्रॉब्लम हो रही है इधर। कोई भी हेल्प कर रहे आप जैसे लोग आके बहुत अच्छी बात है। इस बात से हमको देखकर बहुत खुशी हो रही है कि लोगों को हेल्प करने वाले लोग आज भी ज़िंदा हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सफा बैतुल माल शाख गुलबर्गा की निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह सफा लंगर आगाज़ हुआ था। आज तकरीबन 30 दिन अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गए सफा लंगर के, जो आप अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं कि जिम्स हॉस्पिटल के पास तकसीम करने के साथ साथ हमें ज़िम्मेदारान की तरफ से हॉस्पिटल की इत्तला मिली कि यहाँ कैंसर हॉस्पिटल में भी बहुत से मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़िम्मेदारान की टीम कारकुनान यहाँ पहुँचे और हालात का जायज़ा लिया। तकरीबन 10 दिन से निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह उनके बेडों तक पहुँच कर जो है पहुँचाया जा रहा खाना, और आज ख़ास तौर पर सीविट का निज़ाम बनाया गया था वो भी उन्हें पहुँचाया गया, और बहुत से मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी दुआएँ दे रहे हैं और काफ़ी बिरादरान वतन भी मुतासिर हो रहे हैं। सफ़ा लंगर के ज़रिए से जहाँ भूखों की जो है भूख बुझाना और प्यासों को पानी पिलाना है, वहीं हम ये चाहते हैं कि नफ़रत जो भरी हुई है उनके दिलो दिमाग के अंदर उसको निकाला जाए और इस्लाम के पैगाम को उन तक पहुँचाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन अखलाक का मुजाहरा किया था उसी को सफ़ा बैतुल माल ये कोशिश कर रहा है कि इन बीमारों और भूखों के करीब होकर उन्हें तसल्ली दी जाए और हमदर्दी पेश की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा लंगर की बुकिंग तेज़ी के साथ जारी है। हमें 365 दिन में 200 दिन अल्हम्दुलिल्लाह बुक हो चुके हैं और 30 दिन अल्हम्दुलिल्लाह खाना खिला चुके हैं। अभी 165 दिन बुकिंग के बाकी हैं। हम अहबाब से गुजारिश करते हैं कि बकिया दिनों के लिए आगे आएं। और दूसरा सफ़ा बैतुल माल का बड़ा काम सफ़ा एम्बुलेंस, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मरीजों को जो है घरों से हस्पताल, हस्पताल से घरों को पहुंचाया जा रहा। इन 2-3 दिनों के अंदर 6 मरीजों को अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा बैतुल माल की एम्बुलेंस से खिदमात जारी किए गए। उसके तहत भी जो है तकरीबन जो है काम अल्हम्दुलिल्लाह आगे चल रहे हैं। हम अहबाब से गुजारिश करते हैं कि उस सिलसिले में भी आगे आएँ। अल्लाह ताला तमाम की खिदमात को कबूल फरमाए। अस्सलाम अलैकुम। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस हॉस्पिटल के सामने खड़े हुए हैं, ये कैंसर हॉस्पिटल है जिसमें बहुत सारे मरीज़ अफराद हैं। यहाँ से फ़ोन आने के बाद ज़िम्मेदारों का 10 दिन से यहाँ पर भी हम खाने का नज़्म को जारी रखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुकम्मल 30 दिन हो गए और 360 दिनों में से 200 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, अभी 160 दिन बाकी हैं। अहले हज़रात से हम अपील करते हैं कि जल्द से जल्द 160 दिनों को मुकम्मल करें। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से जो एम्बुलेंस हमारे पास है वो अब तक 2 दिनों में 7 मरीज़ों को लाए हैं और हॉस्पिटलों में शरीक किए और वहाँ से उनके मकानों को भी पहुँचाए हैं। बस हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारी इन खिदमात को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और आपके माल को देने को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और हम यही चाहते हैं कि कौम की खिदमत करना, और बहुत सारे वो मरीज़ हैं जो हाथ उठाकर दुआएं दे रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इखलास के साथ इस काम को करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
तमाम शहरियाने गुलबर्गा को इस चीज़ की खबर दी जाती है। सफ़ा बैतुल माल लंगर जो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह बिला नागा मुसलसल 30 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। आज कैंसर हॉस्पिटल और जिम्स हॉस्पिटल के सामने काफ़ी मरीज़ों को जो है ये खाना तकसीम किया गया, वो लोग बहुत खुश हो गए और दुआएं दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़ा लंगर मुसलसल बिला नागा 30 दिन चलते हुए आया, आज 30 दिन मुकम्मल हो चुके और इसके बुकिंग जो है 365 दिन में से 200 दिन बुक हो चुके हैं, 165 दिन बाकी हैं। अहले खैर हजरात से गुजारिश करते हैं कि इस हिस्से में बढ़ चढ़ कर अपने मेहनत की कमाई को जो है हिस्से में लगाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ जो है सवाब दारैन हासिल करें। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी खिदमत को और आपके ताउन के इस माल को अल्लाह कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जैसा कि शहरियाने गुलबर्गा वाकिफ़ है, ये सफ़ा लंगर रमज़ान मुबारक के मुबारक महीने में शुरू किया गया जिसकी आज एक माह मुकम्मल हुए, 30 दिन मुकम्मल हुए और गोया पूरे 365 दिन का प्रोग्राम बनाया गया है जिसमें 200 दिन मुकम्मल हुए हैं, 200 दिन की बुकिंग हुई है और 165 दिन की बुकिंग बाकी है और तमाम हजरात से गुजारिश है कि जल्द से जल्द इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इसके 365 दिन को मुकम्मल फरमाएं। और यहाँ पर लोगों से मुलाकात हुई और उनको देखा गया कि लोग बहुत खुश हैं। मेरा यहाँ पर ये सफ़ा लंगर का खाना आने से पहले मेरा यहाँ पर आना हुआ तो ऐसा महसूस हो रहा था कि लोग सफ़ा के इंतज़ार में थे और लाइन लगाकर ठहरे हुए थे और जैसे ही यहाँ पर हम लोग आए तो लोग बड़ी खुशी से हमारा इस्तकबाल किए और बड़ी खुशी का इजहार किए। नाचे तमाम हजरात से गुजारिश है कि इस लंगर की तकमील के लिए आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस काम को कबूल फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम अहबाब को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए।